हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से नेक्स्ट ब्लॉग चैनल पर। तो दोस्तों आज जो हम आए हैं आपको बेगमपुर का मेट्रो स्टेशन दिखाने के लिए आए हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि बेगमपुर स्टेशन दिखाइए, कितना काम हो चुका है और क्या क्या यहाँ की वर्किंग कंडीशन है। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं मेरठ के बेगमपुर RRTS के अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर। तो दोस्तों यह है बेगमपुर का एरिया और अभी जो हम खड़े हैं बेगमपुर मेट्रो स्टेशन के एंट्री एग्जिट पर खड़े हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एंट्री एग्जिट का यहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा है और स्टेयरकेस वगैरह बन के तैयार हो चुके हैं, वो अभी मैं दिखाता हूँ आपको सामने से। और ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये गार्डर जो अब लंबे लंबे खड़े हुए हैं, ये स्टेशन का कॉन्कोर्स एरिया से यहाँ पर कटआउट बनाया गया है एंट्री एग्जिट की तरफ आने के लिए। और दोस्तों इधर मेरे राइट साइड में जो आप ये बिल्डिंग से देख रहे हो, ये है एंसिलरी बिल्डिंग, जिसके ऊपर अभी हम एक डिटेलिंग वीडियो बनाने वाले हैं जो हमारी RRTS की सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये व्लॉग। दोस्तों अभी जो है हम रोड के दूसरी साइड आए हैं और जो वो एंसिलरी बिल्डिंग है वो मैंने आपको दिखाई थी, वो रोड की दूसरी साइड है, बीच में यहाँ पर रोड जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो एंट्री एग्जिट है वो रोड के एक उस साइड होगा और एक इधर आपको देखने को मिलेगा। और इसके टोटल चार एंट्री एग्जिट होने वाले हैं, दो आगे के साइड हैं। तो ये सब है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो एंट्री एग्जिट बनाई जा रही है उसके लिए आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके के जो जाल जो बनाए गए हैं, ये एक्चुअली डीवॉल के जाल हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री एग्जिट है वो अंडरग्राउंड से एलिवेटेड आएगी। तो उसके लिए दोस्तों फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो डी वॉल के थ्रू बनाए जाते हैं। और डी वॉल का जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बोर्ड पे, डी वॉल 61 है ये, यहाँ पे इसके ये नंबर है DW61। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके की मशीन है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, ये अंदर ज़मीन के अंदर गड्ढा करेंगी इसके साइज़ का और फिर ये जाल उसके अंदर डाला जाएगा और उसके बाद सोडियम सिलिकेट के थ्रू वहाँ बैक फिलिंग करके जो अंदर की मिट्टी जो होगी उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराई जाएगी, उसके बाद इस जाल के अंदर कंक्रीट फिल करी जाएगी। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के लिए। और आप यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे ये जो कपलर लगाए गए हैं, ये इसका दोस्तों अपर फेस होने वाला है, इसी कपलर के थ्रू जो ऊपर की जो स्लैब होगी वो इससे बाइंड करी जाती है। दोस्तों इस स्ट्रक्चर में जो होता है कपलर का भी एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और यह सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों ये ऊपर के जो आप देख रहे हो ये गोल गोल से कंक्रीट के पहिए से, इसे कवर बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे। तो ये सब यहाँ पे तैयार है दोस्तों, अब ये बहुत जल्दी एंट्री एग्जिट का काम यहाँ पर कम्प्लीट होता हुआ आपको दिख जाएगा। और ये जो आप दोस्तों देख रहे हो रेक्टेंगल शेप में जो ये बार है, इसे हैंगिंग बार भी बोलते हैं। तो डी वॉल का भी हम आपको कास्टिंग दिखाएंगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें इस तरह की वीडियो और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो दोस्तों ये है वो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की एंट्री एग्जिट और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये स्टेयरकेस बन के रेडी हो चुकी है और इसके साथ ही जो यहाँ पर एक्सकेवेशन का काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बैक फिलिंग का काम चल रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मिट्टी साइड में डाली जा रही है और इसी के साइड में राइट साइड में जो ये बिल्डिंग है ये पूरी एंसिलरी बिल्डिंग है। तो अभी हम आपको नीचे की तरफ लेके चलते हैं और दिखाते हैं कितना काम हो चुका है हमारे बेगमपुर RRTS स्टेशन पर। तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं बेगमपुर मेट्रो स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल पर। और दोस्तों इस मेट्रो स्टेशन पर जो थोड़ा आपको डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी वो इसकी डेप्थ है, जो मैंने आपको पहले के दो स्टेशन दिखाए हैं मेरठ में। दोस्तों एक्चुअली यहाँ पे तीन अंडरग्राउंड स्टेशन होने वाले हैं, जिसमें से एक मेरठ सेंट्रल है, दूसरा वैशाली स्टेशन। इन दोनों की वीडियो हम आपको पहले दिखा चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे उनका मैं लिंक आई बटन में डाल दूँगा। और दोस्तों ये है तीसरा स्टेशन बेगमपुर स्टेशन जो है। तो दोस्तों इसका जो आप देख रहे हो ये कॉन्कोर्स लेवल, यहाँ पे जितने भी बॉक्स रखे हुए हैं ये आप देख सकते हो, पूरा जो कॉन्कोर्स लेवल है बॉक्सेस से यहाँ पे भरा हुआ है। और ये सारे जो मशीनें और इसके पैनल्स वगैरह हैं दोस्तों, ये उन सब के पार्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं।
ये यहाँ पर असेंबलिंग के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए तैयार रखे गए हैं। तो दोस्तों अब जो यहाँ पे आपको काम देखने को मिल रहा है वो सिर्फ इंस्टॉलेशन का काम देखने को मिल जाएगा, और सिविल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट का ही वर्क बाकी रह गया है। और दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह के गेट्स भी देखने को मिल जाएंगे जो मेट्रो स्टेशन पे जो गेट्स लगा जाते हैं, इसकी डिटेलिंग भी मैं आपको दिखा चुका हूँ अपने RRTS की सीरीज़ में। और इधर साइड में आपको TVF फैन के जो इसके कोनिकल स्ट्रक्चर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, इसका भी इंस्टॉलेशन का काम यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बेगमपुर मेट्रो स्टेशन के डेप्थ के बारे में बता रहा था। दोस्तों ये जो स्टेशन है ये बाकी के इससे पहले जो दो स्टेशन दिए गए हैं उन सबसे ज़्यादा डेप्थ में है। इसकी जो डेप्थ है अप्रॉक्स सरफेस लेवल से जो ऊपर की जो रोड है उससे 100 फीट अप्रॉक्स होगी। इस स्टेशन पर आपको दो एक्स्ट्रा स्लैब देखने को मिल जाएंगी, जिन्होंने मेरा मेरठ साउथ का ब्लॉग देखा है वहाँ पे भी उन्होंने चेक करा होगा कि वहाँ पे भी हमने दो स्लैब के बारे में डिटेलिंग बताई गई है। तो सिमिलर यहाँ पे भी अंडरग्राउंड स्टेशन में दो स्लैब एक्स्ट्रा दी गई हैं, देखा जाए तो टोटल 3 स्लैब यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगी। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं CS प्लान की तरफ, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे पैनल्स की इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो चुकी है। और जो ये ग्रीन कलर का बॉक्स है ये मैंने आपको वैशाली वाले ब्लॉग में भी दिखाया था, ये रेडिएटर का वर्क करता है जो पानी चिलर प्लांट के वाटर को और ज़्यादा ठंडा करने के काम आता है। जिस तरीके से आप गाड़ियों में रेडिएटर देखते हो जो उसको इसका वर्क भी काइंड ऑफ सिमिलरी उसी तरीके का होता है। तो दोस्तों ये जो बॉक्स है मैं आज आपको अंदर से दिखाता हूँ इसका मैकेनिज़म और इसका इंटीरियर पार्ट्स कैसे होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरीके के फैंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे टर्बो फैंस हैं छोटे छोटे। और इसके आगे शीट, ये जो शीट आप देख रहे हो इसके आगे एक कॉइल्स बनाई गई है जो रेडिएटर कॉइल्स इसे बोलते हैं, जिसमें से पानी फ्लूड या फिर जो भी इनका लिक्विड है वो फ्लो करता है। और ये जो पंखे का जो काम है दोस्तों उस पानी को ठंडा करने के यूज़ में आता है। तो मैं आगे से भी आपको दिखाता हूँ कि वो किस तरह की कॉइल्स होती है। दोस्तों इस तरह की कॉइल्स होती है और इस कॉइल्स के बीच में जो गैप होता है उसमें पानी का ही फ्लो चलता है, सिमिलर जैसे हम कार के रेडिएटर्स में देखते हैं। और दोस्तों ये इस बॉक्स के आगे का स्ट्रक्चर है, तो इस तरीके के ये वेंटिलेशन शाफ्ट के थ्रू ये पूरे स्टेशन पे ठंडी हवा का सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। दोस्तों ये सारे पैनल्स रेडी हो चुके हैं और इनका इंस्टॉलेशन के बाद अब इसकी वायरिंग भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अभी हम थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको इस लेवल के बारे में, उसके बाद जो इसके नीचे की स्लैब है जो उसका सेकंड लेवल है वो भी हम दिखाएंगे। तो ये सब है यहाँ पर दोस्तों जो बन के तैयार हो चुका है। और दोस्तों ये है OT UPS फैन रूम, तो इसकी इंस्टॉलेशन भी हो चुकी है और वह इसका काम भी वेंटिलेशन सिस्टम में ठंडी हवा देने का मैकेनिज्म बनाया गया है। आप देख सकते हो ये बड़े बड़े फ़ैन लगा दिए गए हैं यहाँ पर, और इसी के आगे ये साउंड रेजिस्टेंस और विंड डायरेक्शन के कंपोनेंट भी यहाँ पे लग के तैयार हो चुके हैं। सिमिलर जैसा आप ये ऊपर का स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर नीचे भी जो फाउंडेशन तैयार की गई है यहाँ पर भी इस तरीके का मैकेनिज़म यहाँ पर लग कर तैयार होगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेयरकेस भी बनके तैयार हो चुकी है और ये हम आ चुके हैं इसके दूसरे लेवल पे जो कॉनकोर्स लेवल का सेकंड फेस है, और यहाँ पे भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है सिविल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों बेगमपुर स्टेशन पर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा, यहाँ के पत्थर का काम हो चुका है, ग्रेनाइट का क्लैडिंग, वॉल टाइल यहाँ पर सब कुछ लग के तैयार है, और ऊपर के वेंटिलेशन शाफ्ट भी आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ यहाँ पे कंड्यूट इलेक्ट्रिकल फिटिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर मैं RRTS की सर्विस की फैसिलिटी की बात करूँ तो इनमें से एक फैसिलिटी हमें ये भी देखने को मिल जाती है, जो यहाँ के वॉशरूम हैं मेल फीमेल और जितने भी यहाँ पे यूटिलिटी की सर्विस है वो फ्री मिलती है, एज़ कम्पेरिजन टू जो DMRC की सर्विस है वो चार्जेबल होती है, बट यहाँ पर आपको फ्री सर्विस देखने को मिल जाएगी वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर दोनों की। दोस्तों यहाँ से आपको प्लेटफॉर्म एरिया भी देखने को मिल जाएगा, ये नीचे ट्रैक का एरिया है और इसी के बराबर में आपको राइट साइड प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाएगा। अभी हम दोस्तों कॉनकोर्स पे खड़े हैं जिसका सेकंड फेज है, एक फेज ये है ऊपर जहाँ जो भी हमने आपको दिखाया, और ये ऊपर हो गए रूफ स्लैब।
और दोस्तों इधर एंट्री एग्जिट आपको देखने को मिल जाएगी जो हमने आपको ऊपर से दिखाई थी। दोस्तों अगर मैं इस स्टेशन के एरिया की बात करूं तो जो हमारा एरिया है तीनों अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में से इसका सबसे ज़्यादा होने वाला है। जो मैंने आपको मेरठ सेंट्रल और वैशाली स्टेशन की जो वीडियो दिखाई थी उस एरिया उस वीडियो से और आप इस व्लॉग से कंपैरिजन कर सकते हो कि एरिया में जो बेगमपुर स्टेशन है वो ज़्यादा बड़ा होने वाला है और डेप्थ भी इसकी ज़्यादा है और लेवल भी एक एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये इसका प्लेटफॉर्म एरिया जो देखने में भी काफ़ी चौड़ा दिखाई दे रहा है और अभी हम आपको प्लेटफॉर्म एरिया पे लेके चलते हैं और वहाँ का दिखाते हैं क्या क्या सिनेरियो है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म एरिया की तरफ और सामने जो आप इसका फोल्डिंग देख पा रहे हो यहाँ पे एक और स्टेयरकेस की कास्टिंग हो चुकी है और बहुत जल्दी ये स्टेयरकेस भी आपको चालू देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है इसका प्लेटफॉर्म एरिया। अभी हम आपको थोड़ा प्लेटफॉर्म एरिया की डिटेल बताते हैं कि यहाँ पे जो काम है वो काम की क्या पोजीशन है और कितना काम यहाँ पे अभी पेंडिंग बचा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो ये जो स्मोक डाउन की जो ये वॉल है इस वॉल का अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे पेंटिंग वर्क चल रहा है और ब्लॉक भी आ चुके हैं यहाँ पर, ब्लॉक वर्क का भी काम अभी बच रहा है इधर। और ट्रैक की दोस्तों अगर मैं बात करूं जो इसका ट्रैक जो है वो मैं आपको दिखाता हूं अभी। तो दोस्तों ये है इसका ट्रैक और ट्रैक की अगर आप चौड़ाई देखो तो ये आपको वैशाली मेट्रो स्टेशन और मेरठ सेंट्रल मेट्रो स्टेशन से यहां से कम देखने को मिलेगी। वो एक्चुअली इससे डबल विड्थ में था वो स्टेशन, बट यहाँ पे एक्चुअली सिंगल ट्रैक चलेगा तो उस वजह से ये ट्रैक उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। सिंगल ट्रैक होने का रीज़न मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको दोनों सर्विस मिलने वाली हैं RRTS ट्रेन की भी और मेरठ मेट्रो की भी, तो इस वजह से यहाँ पे सिंगल ट्रैक डाला गया है क्योंकि अंडरग्राउंड तीनों स्टेशन में से सिर्फ और सिर्फ आपको बेगमपुर पर ही दोनों ट्रेन की सर्विस मिलेगी। और दोस्तों ट्रैक पर आप यहाँ पर डी वॉल के सामने का जो ब्लॉक वर्क है वो भी आप देख सकते हो पे ये सब हो चुका है और जो इसकी ओटी डक्ट है यहाँ पे भी आपको पेंट वर्क देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों वहीं दूसरी साइड जो है ये आप सामने टनल देख पा रहे होंगे, तो ये टनल जो है दोस्तों ये वैशाली स्टेशन वाली टनल है जो यहाँ से वैशाली स्टेशन की तरफ ट्रेन जाएगी, ये डाउन लाइन टनल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करी होगी ये जो स्टेयरकेस बनाए गए हैं यहाँ पर बहुत सारे स्टेयरकेस आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे जो काफ़ी बड़े बड़े स्टेयरकेस हैं। तो दोस्तों वही इसका सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको मेरठ साउथ वाले ब्लॉग में भी दिखाया था कि ये जो स्टेशन डिज़ाइन किए जाते हैं ये लोग कैपेसिटी के कैलकुलेशन के हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं। एक्चुअली आने वाले फ्यूचर में और जो अभी के जो स्टेटस है मेरठ का, यहाँ के पॉपुलेशन बेगमपुर पर ज़्यादा सर्वाइव करती है, ज़्यादा मूव करती है, ज़्यादा ट्रैवल करती है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ट्रैवलिंग कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे इस स्टेशन का डिज़ाइन किया गया है और इसका प्लेटफॉर्म भी सबसे ज़्यादा चौड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये है टिकट विंडो जहाँ से पैसेंजर लोग जो हैं टिकट अपने बाय करके ट्रैवल कर सकते हैं। और दोस्तों अभी जिस एरिया में हम अंदर की तरफ चल रहे हैं ये एरिया स्टेशन डेवलप होने के बाद नॉर्मल लोगों के लिए रेस्ट्रिक्टेड रहेगा क्योंकि यहाँ पे इसके सारे सिग्नल और टर्मिनल रूम रहेंगे। तो दोस्तों आप जैसे कि सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर रखा है जिसका काम यहाँ पर ST यानी कि हाई ट्रांसमिशन को लो ट्रांसमिशन में कन्वर्ट करने का काम आएगा और यहाँ पर इस तरीके का आपको यहाँ दो देखने को मिल जाएंगे, दो ट्रांसफार्मर, और इसी के साथ इसका पैनल भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों वहीं अगर मैं इसके बराबर वाले रूम की बात करूं तो यहां पर आपको TV फैन रूम मिलेगा देखने को जिसकी इंस्टॉलेशन यहां पर हो चुकी है और ये फ़ैन वगैरह ये मैं आपको डिटेलिंग में बता चुका हूं अपनी RRTS की सीरीज़ में, तो वो वीडियो जाके ज़रूर चेकआउट करें। और दोस्तों जैसा कि मैंने उसी वीडियो में आपको बताया था हर टनल का अपना एक TVF रूम होता है, तो वो डाउनलाइन का था, अभी हम अपलाइन TVF रूम की तरफ आ गए और यहाँ पे भी आपको इसकी स्टोन निशान देखने को मिल जाएगी।
दोस्तों, अगर मैं इस लटक की बात करूं, ये जो जिसे स्मोक डाउन ओटी शाफ्ट, स्मोक डाउन ओटी वॉल भी बोला जाता है, तो दोस्तों इसका मैकेनिज़्म जो वर्क करता है वो टनल का ट्यूबिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से, जो मेट्रो और आरआरटीएस की जो ट्रेन इसमें से गुजरेगी 160 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना तगड़ा फ्रिक्शन होगा और एयर का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये वॉल प्रोटेक्ट करेगी। जो पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे उनको उस हवा के प्रेशर को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो ऑटोमेटिक डोर लगेंगे वो भी इसके सपोर्ट में इस फ्लो को कंट्रोल करेंगे। तो इसमें जो डिटेलिंग दोस्तों करी गई है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और बेहतरीन तरीके से डिटेलिंग आपको देखने को मिल जाती है इस प्रोजेक्ट में। और जो अंडरग्राउंड स्टेशन आपने और भी देखे होंगे, रांची चौक और कश्मीरी गेट वगैरह के DMRC में जो है, तो वहाँ पे भी आपको दोस्तों इस तरीके की वॉल देखने को मिल जाएगी। ये अप्रॉक्स 2 मीटर इसकी हाइट होती है और इसी के नीचे जो आपको ऑटोमेटिक डोर आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अभी जो हम जिस एरिया पे चल रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म एरिया है और ये ट्रैक के बीच में आप हाइट देख पा रहे होंगे, ये 6 फीट की इसकी हाइट डिफरेंस होता है। तो दोस्तों इसके नीचे जो एरिया है उसे बोला जाता है अंडरक्राफ्ट, और अंडरक्राफ्ट को भी दोस्तों हम अगले वीडियो में कवर करेंगे बहुत अच्छे डिटेलिंग के साथ, और आपको बताएंगे अंडरक्राफ्ट किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या इसका यूज़ होता है। तो ये सब था बेगम पुलिस स्टेशन का जो हमने आपको दिखाया, और यहाँ पे आपको टनल तैयार होती हुई देखने को मिल जाएगी जो बेगमपुर और वैशाली स्टेशन को जोड़ने के लिए यहाँ पे बनाई गई है। बहुत जल्दी हम आपको जो अंडरग्राउंड स्टेशन से जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर में जो ये जाती है RRTS ट्रेन, उसे बोला जाता है NCC एंड कट एंड कवर। तो दोस्तों उसके ऊपर भी हम बहुत जल्दी डिटेलिंग वीडियो बनाने वाले हैं, तो हमें सपोर्ट करें। और दोस्तों यहाँ पे ये टनल का काम तो हम आपको दिखाई चुके हैं, ये बेगमपुर टनल है, इसका काम भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी काम लगभग पूरा हो चुका है। तो दोस्तों ये सब था बेगमपुर मेट्रो स्टेशन का। और दोस्तों अगर मैं इसके गेज की बात करूँ, तो जो RRTS में जो गेज यूज़ किया गया है इंडिया में फर्स्ट टाइम, इसे स्टैंडर्ड गेज में चलाया जा रहा है। तो बहुत कुछ है यहाँ पे जो इंडिया में फर्स्ट टाइम होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब है बेगमपुर स्टेशन पर। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।